जनपद हरिद्वार में कांवड़ मेला समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं। उनमें से ही एक विभाग ऐसा है जो कि अपने काम को अंजाम देने के लिए लगातार 24-24 घंटे काम कर रहा है। जी हाँ, यह विभाग है विद्युत विभाग उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसी को लेकर अधिशासी अभियंता दीपक सैनी ने बताया कि हमेशा से कांवड़ मेला चुनौती से भरा हुआ होता है और सबसे ज्यादा चुनौती बिजली विभाग की होती है, क्योंकि कांवड़ पटरी से लेकर सभी जगह बिजली के पर्याप्त मात्रा में सुचारू रूप से चलाना होता है, और वो भी भारी बरसात में। ऐसे में कहीं भी अर्थिंग और कहीं पे करंट समेत बिजली से कई हादसा ना हो जाए, इसके लिए लगातार पैनी नजर रखनी पड़ती है। इसी को देखते हुए इस बार हमने डेंजर के स्टिकर छपवाकर जगह जगह लिखवाएं और उस पे लगवाएं, जिससे कोई हादसा नहीं हो, और महादेव की कृपा से कांवड़ मेला संपन्न हो गया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। ऑडियो के लिए और पथ व्यवस्था को सुचारू रूप से इसको मेंटेन करना, उसके लिए हमने अलग से एक टेंडर प्रक्रिया अपनाई थी, जिसमें हमने करीब 3,000 के आसपास स्ट्रीट लाइट्स पूरे धनोरी से लेकर चिड़ियापुर क्षेत्र तक सब जगह हमने अप्लाई किया और उसमें विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया। इसमें हमारे कर्मचारियों ने काफी सहयोग किया, दिन रात उसमें लगे रहे। बीच में बारिश का मौसम भी आया जिसमें काफी आंधी तूफान भी था, उसमें भी हमने व्यवस्था को सुचारू से चलने दिया और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी। और जहां से इसमें ज्यादातर दिक्कत आती है, लीकेज करंट आ जाता है कभी कभी, उसको भी हमने रेगुलरली चेक करते हुए सभी कर्मचारियों ने पूरे सराहनीय काम किया इसमें, और लोगों को सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध कराई पूरे कावड़ दिनों के दौरान। और लास्ट में हमने दो तारीख तक जब उन्हें सप्लाई हमने सुचारू से चालू करके कावड़ मेला समाप्त हुआ, उसके बाद सभी लोगों को धन्यवाद इसमें अग्रेसित भी किया, और जिससे कि लोग आए हमारे पास कि व्यवस्था का कोई भी कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना से इसमें पूरे दिनों के दौरान नहीं हुई।